राम रतन शर्मा बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ जाएगा और खुद भी जाकर पूछेगा कि महाराज जी पंडित जी एक बार आप भी बता दो कि जाति व्यवस्था किसने बनाई। राम रतन नहीं पूछना हुआ वहाँ तो मदन को जो भी जावा एक तो नहीं पूछना चाहिए और एक वहाँ मोहन भागवत जी को जाने की जरूरत है, वो जाके उसको भी बताए कि भाई कहाँ से, या सरकार बागेश्वर धाम जाएगा सरकार ही बता सके भाई उसके अंदर ऐसी कौन सी आत्मा प्रवेश करगी जो उस टाइम उन्होंने बयान दिया। भाई हम रतन है और ये कह रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के पास मोहन भागवत को जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, वो चिट्ठी बना कर देंगे तब पता लगेगा। अभी पता करो ना, ये तो मैं क्या भाई साहब सारा देश जानना चाह रहा। भाई साहब 3 दिन हो नींद नहीं आ रही, कभी रात ना फोन, कभी दिन में फोन, कभी छत्तीस बिरादरी का फोन, कभी किसी और का फोन, प्रधान जी किसने बनाई प्रधान जी। भाई अगर मारा भाईचारा ये तो समझ चुके हैं तो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बहुत मजबूत है इस देश में, नहीं तो ऐसे बयान पर भाई साहब पता नहीं क्या अनर्थ हो जाए। भाई साहब कहीं ना कहीं अंदर से हम दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि बार बार हमारे को टारगेट किया जा रहा। अगर हमारे को टारगेट करना बंद ना करा तो हम आने वाले समय बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। इस टिप्पणी के बारे में पूरे देश में चर्चा चल रही है, विदेश में चर्चा चल रही है, अब क्या ये प्रदर्शन जो आपका है ऐसे ही रहेगा या सभी ब्राह्मण? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का सपना है कि भाई हम विश्व शक्ति बने और हमारा देश पूरे विश्व में छाए। अगर मोहन भागवत जी ये बात बता दें तो विश्व शक्ति तो हम आप ही बन गए भाई साहब। अगर ये तथ्य लाकर सामने रख दें कि भाई पंडितों ने बिरादरी बढ़ाई तो विश्व शक्ति तो हम आप ही बन गए भाई साहब, सारे देश विदेश सारा संसार उसके पीछे आ जाएगा भाई साहब, सब कुछ उससे पूछने लग जाएंगे। अच्छा आप क्या चाहते हैं, मोहन भागवत इस टिप्पणी पर माफी मांगे या क्या कहें? ये बहुत गलत बयान है, मैं चाहता हूँ और मेरा पूरा समाज चाहता है और छत्तीस बिरादरी चाहती है कि वो बयान को, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, हमारे से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, वो अपने बयान को वापस ले और इस पे माफी मांगे। यहाँ आपके टीम के और भी लोग हैं, आप क्या सोचते हैं इस जो टिप्पणी मोहन भागवत ने किसके बारे में? मोहन भागवत जी का ये बेतुका बयान है, बिल्कुल बगैर ज्ञान का बयान है, या तो वो ये बताए इसका क्या प्रमाण है, उन्होंने ये बात कहाँ से मिली भाई ब्राह्मणों ने ये जातियाँ बनाई है, इसका मतलब वो ब्राह्मणों को दूसरी जातियों से भिड़ाने का काम कर रहे हैं वोट लेने के लिए, वो अराजकता फैला रहे हैं इस देश में। मोहन भागवत जैसे प्रमुख व्यक्ति को इस प्रकार के बेतुके बयान नहीं देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। आप क्या सोचते हैं जी? हम ये जरूर सोचते हैं कि जैसे अगर वो मोहन भागवत बोलते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने जाति बनाई तो ब्राह्मण सिर्फ सारे ब्राह्मण ही होते हैं, फिर आज दूसरी जात होती नहीं, कोई क्यों बनाते हो दूसरी जात को? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास शर्मा, गांव पर डाना। ये रामनिवास ने बहुत अच्छी बात कही शर्मा जी ने, कि अगर ब्राह्मण जाति बनाता तो सभी को ब्राह्मण बना देता, अपना कुनबा मजबूत करता। ये मोहन भागवत के अंदर अभी रावण भी पंडित थे ना, रावण की आत्मा आई हुई है, हमारा कहना मतलब क्या कह रहा है शर्मा जी? बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, रावण की आत्मा आई उसके अंदर, इसलिए अपशब्द बोल रहे हो ब्राह्मण जाति के लिए। लेकिन रावण तो परम विद्वान था, परम विद्वान था, देखो रावण विद्वान था, अगर ब्राह्मण जातिवाद होता तो वो श्री राम को नहीं रावण को पूजने की बात करता। ब्राह्मण सदैव सभी धर्मों को लेकर चलाया, सभी को साथ लेकर चलाया, श्री राम भगवान ने भी सब ब्राह्मणों को माना, उनके गुरु भी वशिष्ठ ऋषि उनके गुरु थे, तो रावण जैसा तो विद्वान इस धरती पे ना पैदा हुआ ना आगे होगा। अब क्या जो देख रहे हैं देश विदेश में उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही अपने नौजवान साथियों से और समस्त देशवासियों से अपील करता हूँ कि ऐसे बयान पर ध्यान ना दें, सिर्फ अपने समाज को, छत्तीस बिरादरी को, सभी धर्मों को जोड़ के आगे चलें और उस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। अपना परिचय दीजिए। मैं राम रतन शर्मा, जिला प्रधान ब्राह्मण समाज पानीपत। आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। क्या मोहन भागवत ने ये जो बयान दिया है ये बयान सही है गलत है, आप अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करके कमेंट में हमें बता सकते हैं। फिलहाल आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट डिंपी मल्होत्रा के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।